आजादी के बाद आधी सदी तक देश की सियासत पर राज करने वाली कांग्रेस अब गांधी के सहारे एक बार फिर से राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ सत्ता के सिंहासन पर बैठने की कोशिश में है। तो वहीं सत्ता पर बैठी बीजेपी भी अब गांधी के जरिए जनता के दिल में जगह बनाना चाहती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने तरीके से आज गांधी जयंती पर पदयात्रा कर जनता के बीच गांधी पर अपना हक जताने की कोशिश की। लेकिन सवाल उठता है कि गांधी जी किसके हैं? मौका है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का, तो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही बापूमय हो गए हैं। कमोवेश दोनों दल ऐसी ही पदयात्राएं देश भर में करते नजर आए। जहां राहुल गांधी ने राजघाट तक पदयात्रा की, तो उनकी बहन प्रियंका गांधी भी लखनऊ में पदयात्रा पर निकली। वहीं बीजेपी ने इसे संकल्प यात्रा का नाम दिया और सियासी शोर के बीच राजनीतिक मंच से सिर्फ एक आवाज आई, मेरे बापू। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश भर में कई जगहों पर पदयात्रा निकाली जा रही है। प्रियंका गांधी लखनऊ, तो राहुल गांधी की अगुवाई में दिल्ली में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। दिल्ली में यह पदयात्रा कांग्रेस दफ्तर से राजघाट तक निकाली गई, जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए। यात्रा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांधीवाद और गांधी के विचारों वाले भारत के लिए काम करने की शपथ भी दिलाई। उधर मध्य प्रदेश में 15 साल बाद मिली सत्ता के आने पर यह पहला मौका है जब कांग्रेस गांधी को अपने गांधी की तरह याद कर रही है। सूबे के मुखिया कमलनाथ भी पदयात्रा पर निकले और गांधी पर हक जताते हुए बीजेपी पर तंज कस दिया। तो वहीं अब बीजेपी को गांधी जी इतने दिनों बाद उनकी याद आ रही है। सर, बीजेपी भी इनके उपदेशों को जनता तक पहुंचाएगी, गांधी यात्रा चला रही है बीजेपी? ये तो सबको चलानी चाहिए, बीजेपी ने इतने साल तो चलाई नहीं, उनको पिछले कुछ सालों में बाबूजी याद आए। हाल में तस्वीरों में सीएम कमलनाथ यहां पर पैदल यहां पर यात्रा पर निकले हुए हैं और ये पैदल मार्च के जरिए यहाँ पर जो कमलनाथ है वो यहाँ भोपाल के रोशनपुरा जो चौराहा है यहाँ से जो निकलते हुए सीधे मिंटो हॉल में माल्यार्पण करेंगे गांधी जी की प्रतिमा पर, और साफ तौर पर देखा जा सकता है तस्वीरों में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर जिस तरह से पैदल मार्च करके यहाँ पर जाते हुए देखे जा सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ चूंकि गांधी जयंती पर जिस तरह से यहां पर जो कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और एक संकल्प भी है कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलना, और इसी के चलते जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पर देख सकते हैं पैदल मार्च करते हुए, और ये जो तस्वीर दिखाती है कि जिस तरह से बीजेपी भी यहाँ पर जो गांधी संकल्प यात्रा कर रही है, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है कमलनाथ वे यहाँ पर पैदल मार्च यहाँ पर निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन नायडू के साथ विपिन श्रीवास्तव, R9 TV, भोपाल। वहीं कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी को गांधी संकल्प यात्रा के जरिए याद कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इशारों ही इशारों में बीजेपी और संघ पर हमला करते नजर आए। कहने लगे कि सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी को बदनाम कर नाथूराम गोडसे को महामंडित किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के दिग्गी ने क्या कुछ कहा। महात्मा गांधी देश के कांग्रेस के केवल नहीं है, वो एक विचारधारा है जो कभी मर नहीं सकती, वो शख्सियत है जिसको कभी मनाया नहीं जा सकता। आज हम उन्हें स्मरण करते हैं क्योंकि उनका पूरा जीवन
देश की सनातन धर्म की परंपराओं को उन्होंने अपनाया और उसी परंपरा को अपनाते हुए इस देश को आज़ाद कराया। उस हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसके बारे में कहा जाता था कि इस हुकूमत के क्षेत्र में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, उसे उन्होंने निहत्ते प्रेम सद्भाव और अहिंसा के रास्ते पर अपनाते हुए इस देश को आज़ाद किया। तो महात्मा गांधी की जयंती पर बीजेपी भी पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान के तौर पर गांधी संकल्प यात्रा का नाम देकर निकल पड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी पद यात्रा की, स्वच्छ अभियान के तहत झाड़ू लगाई और गांधी धुन भी गाई। लेकिन जब कांग्रेस के बीजेपी पर गांधी को याद करने के उठते सवाल आए तो फिर शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार करते हुए कहा कि महात्मा गांधी सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं हैं। शिवराज ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि आज गांधी पर राजनीति ना करें। वहीं ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी कांग्रेस को गांधी पर राजनीति ना करने की नसीहत दे डाली। साथ ही उमा भारती ने कांग्रेस को दरअसल आड़े हाथों भी लिया। मुख्यमंत्री जी, महात्मा गांधी केवल कांग्रेस के नहीं है, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि आज़ादी प्राप्त हो गई, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, कांग्रेस को लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन महात्मा गांधी सबके हैं, वो सबको राह दिखा रहे हैं और आज दुनिया में शाश्वत शांति के लिए महात्मा गांधी के विचार ही प्रासंगिक है। इसलिए आइए मुख्यमंत्री जी, दिग्विजय सिंह जी, सारे मतभेद आज तो छोड़िए, आज तो सब मिलकर सत्य, अहिंसा, शांति, गरीबी हटाओ, मद्य निषेध, नशा मुक्ति, स्वच्छता, इस संदेश को सब मिलकर लेके जाएं जनता के बीच। गांधी जयंती पर यहाँ पर पहुंची है उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे गांधी जी पर? गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने किया तो मोदी जी ने किया। उनने जय जवान का काम भी किया, शास्त्री जी का सपना भी पूरा किया, जय किसान का भी काम किया, और गांधी जी जो स्वदेशी ताकत से देश को खड़ा करने की बात करते थे वो भी किया। और इसलिए गांधी और शास्त्री सबके सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस इस सवाल कर रही है, गांधी जी अब याद आ रहे हैं आपको बीजेपी को संकल्प यात्रा के जरिए? हाँ, ये बात मैं कैसे कहूँ, हम गांधी जी को पूरे समय याद कर रहे हैं, उसका मतलब है वो विचारे सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। साफ तौर पर जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से गांधी जयंती पर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल कर रही है, संकल्प यात्रा पर सवाल कर रही है कि गांधी जी अब याद आ रहे हैं, इसको लेकर साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध रही है उमा भारती। भोपाल। तो गांधी जी की जयंती पर सियासत आज चरम पर रही। दिग्विजय सिंह के इशारे को जैसे कमलनाथ सरकार के मंत्री पीसी शर्मा साफ लहजे में कह गए कि बीजेपी गांधी संकल्प यात्रा के जरिए ढोंग कर रही है, सबसे पहले वो गोडसे को उसको पूजना बंद करे। पीसी शर्मा से बात की हमारे संवाददाता ने जनसंपर्क और कानून मंत्री एमपी सरकार से। गांधी जयंती पर सीएम कमलनाथ ने पद यात्रा की यहां पर, और यहां पर उनके साथ पीसी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश में जनसंपर्क और कानून मंत्री, वो भी हमारे साथ है। सर, गांधी जयंती पर जिस तरह से पद यात्रा निकाली, एक तो ऐसा मौका था कि आज बड़ा अच्छा, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है और आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। महात्मा गांधी की जयंती पूरी दुनिया मना रही, राष्ट्रसंघ में भी उसको मनाया जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष, इन सब जेल गए, जेल में रह के लड़ाई को लड़ा और देश को आज़ाद कराया। और कमलनाथ जी ने एक चीज़ कही है कि वो देश के ही महात्मा नहीं थे, सारी दुनिया के महात्मा थे, इसीलिए राष्ट्रसंघ में उनका जयंती मनाई जा रही है। इसलिए इस मौके पर बहुत बधाई भोपाल वासी, मध्य प्रदेश वासी और देशवासियों। अच्छा, एक बात और कमलनाथ जी ने कही है कि बीजेपी बड़े देर से अब यात्रा कर रही है, ये सब चीज़ें कर रही है, क्या लगता है कि वो क्योंकि गांधी संकल्प यात्रा कर रही है? बगैर एक चीज़ और कही उनने कि बगैर महात्मा गांधी के देश एक नहीं रह सकता,
महात्मा गांधी के विचारों में चल के इस देश को एक रखा जा सकता है। और जो बीजेपी महात्मा गांधी जी के रास्ते से अलग चलती है, हिंसा के रास्ते पर चलती है, और महात्मा गांधी का रास्ता था अहिंसा का और सर्वधर्म समभाव का, वो सर्वसमभाव में विश्वास नहीं करती और आज ढोंग कर रही है, गांधी जी के लिए एक संकल्प यात्रा निकाल रही है। सबसे पहले वो गोडसे को पूछना बंद करे और एक आध आदमी बता दे, जो फोटो आए हैं आज महात्मा गांधी के उस समय के, इसमें एक आध RSS या बीजेपी का आदमी दिख रहा हो। साफ तौर पर मध्य प्रदेश के जो जनसंपर्क मंत्री हैं, वो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो पदयात्रा थी यहाँ पर गांधी जयंती मनाई जाए, लेकिन सवाल बीजेपी की जो गांधी संकल्प यात्रा पर भी यहाँ पर उठाते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विनय नायडू के साथ विपिन श्रीवास्तव, R90V भोपाल। उधर RSS विचारक और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने महात्मा गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी होते तो वो RSS में होते। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्होंने कहा कि गांधी के नाम और उनकी फोटो को इस्तेमाल करने वाले ही गांधी के विचारों के दरअसल खिलाफ हैं। RSS गांधी विचारधारा का सबसे बड़ा अनुयायी है। आइए आपको सुनाते हैं कि राकेश सिन्हा ने और क्या कुछ कहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने RSS और बीजेपी पे तीखा हमला किया है। मेरे साथ बात कर राकेश सिन्हा जी हैं, जो बीजेपी के सांसद भी, वरिष्ठ नेता भी हैं। गांधी को लोग ये बेचैनी क्यों है? देखिए, वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के नायकों को इतिहास की पुस्तकों में फुटनोट में डाल दिया और स्वयं को मुख्य पृष्ठ पर रखा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने उस फुटनोट में जो नायक हैं उनको मुख्य पृष्ठ पर लाए। स्वाभाविक है जो मुख्य पृष्ठ पर हैं वो फुटनोट पर जाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी की बेचैनी है। वो गांधी का मतलब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समझते हैं। हम गांधी का मतलब 130 करोड़ जनता समझते हैं। हम गांधीवाद का मतलब एक परिवार और एक व्यक्ति की समृद्धि नहीं, सत्ता का सुख नहीं, सामान्य और हाशिए पर जो अंतिम व्यक्ति है, लास्ट मैन है, वहाँ तक पहुँचना, चाहे स्वयंसेवी बनकर या सरकार का अंग बनकर, यह गांधीवाद है। तो इसकी विरासत हमारे पास है। यदि गांधी जीवित होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होते। कैमरामैन कैसर के साथ कमलेश सिंह, R9 TV दिल्ली। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर पूरे देश में स्वच्छता को लेकर कई कार्यक्रम चलाए गए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता संदीप खैर ने यूपी के कानून और न्याय मंत्री बृजेश पाठक से खास बातचीत की। महात्मा गांधी की जयंती पर आज स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर बृजेश पाठक जी भी पहुंचे। सर, क्या कहना है आज के कार्यक्रम को लेकर? सर, आज श्रद्धेय महात्मा गांधी जी की जयंती और आदरणीय श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। जहाँ जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ वहाँ महात्मा गांधी जी को आज याद किया जा रहा है। जिस ढंग से उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया, भारत को आज़ाद तो कराया है ही, लेकिन पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश देकर गए कि आज सब लोग उसकी जयंती मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया उनके बताए गए रास्ते पर चल करके एक विश्व शांति का पैगाम देगी। तमाम लोगों को संकल्प भी दिलाया गया है, किस तरह का संकल्प है? आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेशवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक को बहिष्कार करने के लिए, उसको पूरी तरह से हटाने के लिए संदेश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हजरतगंज चौराहे से लेकर सिविल अस्पताल और कालिदास मार्ग चौराहे तक लेकर के जो भी प्लास्टिक के मतलब वस्तुएं पड़ी थी उनको एकत्र करके कूड़े में डाला है और कहा है कि बिल्कुल इसका उपयोग न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर बृजेश पाठक जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का आह्वान किया और तमाम लोगों से भी यही अनुरोध किया है। संदीप खेर कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 TV लखनऊ। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आज पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास राजकीय समारोह का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पटना में नीतीश और मोदी ने शास्त्री नगर पार्क में लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि भी दी। उधर जयपुर में महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से होकर गांधी सर्किल तक निकाली गई। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ साथ सभी मंत्री लगभग
मौजूद रहे। देश में गांधी की नीतियों पर चलने वाला यह देश गांधी की नीतियों पर चलता रहेगा और इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है जयपुर शहर में किशनपोल और आदर्श नगर ये जितने एरिया हैं जहां लोग आज हजारों की संख्या में प्रदेश कांग्रेस का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हजारों की तादाद में जो लोग आए ये दर्शाता है कि गांधियों की नीतियों में दम है और दम रहेगा। कांग्रेस और बीजेपी गांधी जयंती के जरिए आम जनता में पैंट बनाने की जुगत में है। कांग्रेस ने आज पीसीसी कार्यालय से गांधी सर्किल तक पैदल यात्रा कर जनता के बीच में एक मैसेज देने का कोशिश किया कि कांग्रेस सत्ता में है और आम जनता के लिए काम कर रही है। अब देखना है कि जनता कांग्रेस और बीजेपी के इस स्टंट को कितना गंभीरता से लेती है और पंचायत निकाय चुनाव में दोनों दलों को कितना फायदा मिल पाएगा ये परिणाम ही तय करेंगे। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ संजय वर्मा, R9 TV, जयपुर। उधर झारखंड की राजधानी रांची में भी महात्मा गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रदेश के मुखिया रघुवर दास ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर हमें चलने का संकल्प लेना चाहिए और स्वच्छता जीवन का अभिन्न हिस्सा हो इसके लिए कोशिशें करनी चाहिए। आपको बता दें कि रांची स्थित बापू वाटिका में राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सीएम रघुवर दास ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। गांधी के 150वीं जयंती पर झारखंड सरकार ने उन्हें नमन किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने रांची के बापू वाटिका में गांधी के भजन कीर्तन भी सुने। इस दौरान गांधी के आदर्शों को अपनाने की सलाह देते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की जनता से अपील भी की और कहा कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए। गांधी की जयंती पर स्वच्छता का संकल्प लेते हुए झारखंड सरकार ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। इसके साथ ही झारखंड सरकार ने यह भी कहा कि सिंगल प्लास्टिक यूज लोग ना करें उसका इस्तेमाल ताकि इससे समाज को खतरा पैदा ना हो। कैमरा पर्सन सुरेन प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV, रांची। गांधी के आदर्शों पर आजीवन चलने वाले झारखंड के आदिवासी टाना भगत आज ये कहने को मजबूर हैं कि इससे बेहतर अंग्रेजी हुकूमत थी। महात्मा गांधी के अनुयायी आदिवासी टाना भगत समुदाय ने अपने आदर्श महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, राज्य के सीएम रघुवर दास से मुलाकात भी की। फिर जब R9 TV ने उनसे उनके हालातों को लेकर पूछा तो उनका दर्द छलक पड़ा। हमारे ब्यूरो चीफ ब्रिजेश रॉय ने उनसे खास बातचीत की। देश और दुनिया गांधी के सिद्धांतों पर चलने की आज कोशिश कर रहा है और हमारे देश में गांधी जी का जो सपना है उस सपने को पूरा करने में राज्य सरकार भी लगी हुई है। गांधी के विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित और उनको सहयोग करने वाले झारखंड के आदिवासी टाना भगत हैं। आज ये सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा में है और ये वेशभूषा हमेशा से इनके साथ रहता है। गांधी टोपी इनके सर पर होती है और प्रतिदिन अपने घर में ये चरखा तिरंगे की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। आज मुख्यमंत्री महोदय ने आप लोगों से कई बातें की, क्या कहा उन्होंने? हम लोग कहे थे 15 अगस्त 26 जनवरी में पहले संजय सेठ बोला था ये कपड़ा देंगे टाना भगत लोगों को, सभी लोगों को बोला था। चतरा बालूमा टंडवा लोहरदगा गुमला हर जगह का टाना भगत लोगों को आह्वान दिया था, अभी एक साल दिया था उसका बाद में अभी बंद कर दिया है। वही बात को हम लोग बोले हैं, झंडा नहीं मिला है हम लोग को। और लेकिन बड़ी बात यह भी है कि आप लोग की जमीन वापसी का मुद्दा तो आज भी पड़ा हुआ है, वो जमीन वापसी हुई आप लोगों की? अभी नहीं हुआ है, कुछ तो हो गया था पहले और अभी तो नहीं हुआ है। कि चुनाव है, एक बार फिर आप लोग वोट डालने जाइएगा, लेकिन टाना भक्तों की स्थिति आज सुधरी है? टाना भक्तों का स्थिति आज भी सुधरी नहीं है, अभी भी जो शोषण पहले की तरह था उसी तरह आज भी टाना भक्तों के लिए शोषण ही हो रहा है सर, है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। बच्चा बच्चा गांधी की थीम पर रायपुर में 1000 बच्चों ने दरअसल ये पदयात्रा निकाली।
इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने महात्मा गांधी की वेशभूषा में पदयात्रा की अगुवाई की। जय स्तंभ चौक से गांधी मैदान तक आयोजित इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया, खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए। तो 2 अक्टूबर को ही नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत मिशन भी घोषित किया था। यह एक जन आंदोलन बना था, दुनिया ने हाथों हाथ इसको लिया। शौचालय का निर्माण 10 करोड़ से ज्यादा का हुआ। आजादी के बाद सबसे बड़ी बाधा थी प्लास्टिक। मानव समाज अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है, जिसको लेकर लोगों को भी जागरूक किया जाना बड़ा जरूरी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी की तरफ से यह अभियान छेड़ा गया है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म, वही दूसरे महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री स्वर्गीय जी का जन्म। आज के दिन जिस तरह से कहें कि पश्चिम बंगाल में लगातार प्लास्टिक किस तरह से उपयोग हो रहा है, लोगों को कितना नुकसान होता है, प्लास्टिक बंद करने के आह्वान पे जो बैग है, ये कहे कि थैला है, कपड़े का है, इसे लोग बाजार में कहे बीजेपी के द्वारा लोगों को दिया जा रहा है, जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान आज के ही दिन चुना था, तो कह सकते हैं कि पूरे कोलकाता से किस तरह से प्लास्टिक मुक्त किया जाए, बीजेपी की तरफ से यहाँ से अभियान चलाया जा रहा है। देखिए कपड़े का बैग है और कह सकते हैं कि मार्केटों में लगातार लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हर किसी को दिक्कत होती है। सड़क पर जो नाले हैं जाम हो जाते हैं, जो गाय है उनके पेट में जाता है, तो प्लास्टिक को नष्ट करने इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग है। अब कपड़े का बैग हमारे साथ में है भैया, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को ही चुना था कि आज के दिन से ही स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाए, प्लास्टिक लोगों के लिए कितना घातक है और कपड़े का बैग आप लोग आज पूरे कोलकाता में क्या पूरे बंगाल में लोगों को जन अभियान के तहत चला रहे हैं? प्लास्टिक बैग जो है सारे विश्व में हेल्थ हैजर्ड पैदा कर रहा है, पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। कारण इसलिए है कि प्लास्टिक बैग नष्ट नहीं होता, सिंगल यूज प्लास्टिक को नष्ट होने में 400 साल लगते हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से पदयात्रा चलकर गांधी पार्क पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में पदयात्रा के साथ मौजूद तमाम कांग्रेसी गांधी पार्क पहुंचकर उनके आदर्शों और उनके देश के प्रति बलिदान को उन्होंने याद किया। गांधी पार्क में भजनों के द्वारा महात्मा गांधी को याद करते हुए सभी समुदाय के लोग इस पदयात्रा में जुटे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लोगों ने महात्मा गांधी के विचारों, उनके बलिदान को याद करते हुए, महात्मा गांधी एक ऐसी वैचारिक भावना है जो सभी समुदाय के लोगों में आज भी मौजूद है, आज भी सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यकीनन गांधी के आदर्श ही इन्हें कहा जा सकता है। चलिए तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 TV के साथ। नमस्कार।